अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का आखिरी स्मार्ट लगा फिर आपके सामने हाजिर है। हाँ जी, तो ये है कि अपना अभी मैं उठ चुका हूँ और तकरीबन 11 बजने वाले हैं, बज चुके हैं 11। ये आप देख सकते हैं, पर ये 5 मिनट आगे हैं, तो बाहर वाली घड़ी में 11:05 हो गए। तो ये है कि मैंने सोचा कि आज अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज जो है वो जाना भी है मुझे चेकअप के लिए। तो चलें ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज की रूटीन आपको दिखाते हैं। तो स्टार्ट दी न्यू ब्लॉग। हाँ जी, तो ये है कि अभी मैं उठा हूँ और अभी नाश्ता वगैरह मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे टेबलेट्स खानी है। ये आप देख सकते हैं, मुझे ये वाली जो टेबलेट्स है ये 3 खानी है एक साथ। तो चलें पहले ये टेबलेट्स खाऊँ, उसके बाद जो है आधा घंटा है मेरे पास, आधे घंटे के बाद नाश्ता करता हूँ। तो पहले ये टेबलेट्स खाऊँ, फिर उसके बाद जो है वो ब्रेक लेते हैं, फिर नाश्ते के बाद बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों का रोज़ा है, मेरा नहीं है। तो मैं नाश्ता वगैरह करते हुए नहीं दिखाऊँगा, फिर नाश्ते के बाद एक और टेबलेट खानी है वो दिखाऊँगा। तो चलें टेबलेट खा लो। हाँ जी, तो ये है कि टेबलेट्स मैंने खा ली हैं और अब जो है मेरे पास आधा घंटा है, उसके बाद नाश्ता करूँगा, फिर नाश्ते के बाद एक और टेबलेट खाऊँगा, फिर उसके बाद टाइम है अपने पास शाम तक 3-4 बजे तक का, क्योंकि फिर 4 बजे जो है वो चेकअप के लिए जाना है। तो चले देखते हैं कि क्या समाचार है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है मुझे जल्द से जल्द शिफा दें और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और मेरी बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करें। और ये जो मगफरत का शरा जो स्टार्ट हुआ है, तो अल्लाह पाक सबकी मगफरत फरमाए, सबको अल्लाह पाक जो है वो अपनी रहमत से नवाजे। तो चले दुआ करिएगा सबके लिए और फिर मिलते हैं आपसे नाश्ते के बाद टेबलेट खाते हुए। अच्छा, टेबलेट्स खाने के बाद जो है वो अपना आधा घंटा होता है मेरे पास, तो उसमें मैं वॉक करता हूँ और ये जो है वो नियार मुँह खानी पड़ती है यार, 3 टेबलेट्स एक साथ, क्योंकि अपना टीवी की है। और ये सुबह ही सुबह जो है आपको नाश्ते से पहले नियार मुँह खानी होती है 3 टेबलेट्स, फिर उसके बाद एक नाश्ते के बाद है, तो 4 जो है सुबह ही सुबह आपको खानी पड़ती है उठने के बाद। बड़ा अजीब सा लगता है यार कि सुबह ही सुबह नाश्ते के पहले उठते के साथ ही आप फ्रेश होके डायरेक्टली आप टेबलेट्स खाएं, कुछ भी ना खाएं पिए, डायरेक्टली टेबलेट्स आपको खानी है, तो बड़ा अजीब सा एक फील होता है। और आधा घंटा अभी और देखते हैं कि क्या समाचार है, क्योंकि अभी आधे घंटे तक तो बात नहीं कर सकता, तो फिर आपसे बात करता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मैं वॉक कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेबलेट्स नीचे जाएँ, हज़म हो जाए, फिर जो है बात करते हैं। हाँ जी, तो ये है कि अपना नाश्ता मैंने कर लिया है और तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो गए। तो अब जो है वो नाश्ते के बाद की जो टेबलेट थी वो अब मैं खाऊं, उसके बाद जो है फिर थोड़ी देर आराम करें, क्योंकि नींद और आ रही है मुझे, क्योंकि लेट सोया था मैं, सहरी के टाइम नमाज़ पढ़ के फजर की। तो चले ये कि मैं टेबलेट खाऊं, उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर जो है वो हॉस्पिटल जाएंगे, तो वो भी देखते हैं। तो चले टेबलेट खा लूँ। हाँ जी, तो ये है कि अपना टेबलेट्स मैंने खा ली हैं सारी, नाश्ते से पहले की, नाश्ते के बाद की, और थोड़ा सा फिर नाश्ते के टाइम पे जो है वो नाश्ते के बाद थोड़ी सी वॉक करता हूँ, वो भी हो गया है। अब थोड़ी सी नींद आ रही है, तो ये है कि अभी थोड़ी देर सो जाता हूँ, क्योंकि 3 बजे जाना है, 3:30 बजे, तो थोड़ा सा आराम भी ज़रूरी है, क्योंकि धूप वगैरह भी बहुत होती है। तो चले ये है कि आराम करते हैं, उसके बाद जो है फिर आपसे बात करते हैं, तो वेट करें तब तक। हाँ जी, तो ये है कि अपना मैं जो है वो सो गया था नाश्ता वगैरह करने के बाद, फिर मैं उठा था
फिर मैंने जोर की नमाज़ पढ़ी और फिर टाइम नहीं था तो इसलिए डायरेक्टली जो है वो हॉस्पिटल चले गए थे चेकअप के लिए। मोबाइल में घर पे ही रखे गया था हालत को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि अभी रमज़ान महीना है और स्नैचिंग वगैरह बहुत हो रही है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मोबाइल घर में ही रहने दो, आने के बाद जो है कंटिन्यू कर लेंगे। अभी असर की नमाज़ वगैरह पढ़ के जो है वो फ्री हुआ, फिर ये है कि मैंने सोचा कि अब कंटिन्यू कर लूँ मैं, तो चलें। ये है कि चेकअप करवा के आ चुके हैं, अल्लाह पाक का करम है, क्या डॉक्टर ने कहा है कि अभी बेहतर है, ईद से जो है एक दो दिन पहले वापसी चेकअप होगा, ईद के बाद जो है वो प्रॉपर फिर पता चलेगा कि कितने महीने का कोर्स करना है कंटिन्यू, वापसी टेस्ट वगैरह होगा। तो चलें, ये है कि अभी अल्लाह पाक के करम से खाना पीने का तो कह दिया है, तो अभी एक दो दिन के बाद स्टार्ट करेंगे खाना पीना, तो फिर उसके समोसे होगी और ब्लॉग वापसी स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो है देखते हैं कि क्या समाचार है इफ्तारी के, फिर जो आपसे बात करते हैं, तो पहले देखते हैं फिर बात करते हैं। और ये देखें आप, ये अभी बन रहे हैं कबाब वगैरह, और हमारी बहुत बड़ी कुक जो है वो बना रही है समोसे, उर्वातुल मुस्का ये समोसे बना रही है, ये कबाब बन रहे हैं, ये समोसों का कीमा है, और ये अभी कबाब वगैरह बन रहे हैं। और मेरा वो अभी पाबंदी है थोड़ी सी, एक दो दिन में जो है वो करेंगे, तो चले हाँ खाना पीना स्टार्ट। तो अभी जो है फिर बन रहे हैं, और हमारी कुक जो है उर्वातुल मुस्का वो बना रही है, तो चलें फिर भाई, जब तक अभी मगरिब का भी टाइम होने वाला है, 6:30 तो हो रहे हैं, अभी 15 से 20 मिनट बाकी है, तो फिर जो है इफ्तारी पे मिलते हैं। हाँ जी, तो ये है कि इफ्तारी का टाइम हो चुका है, मैक्सिमम से 4 मिनट बाकी होंगे, और यहाँ पे दस्तरखान सज रहा है, ये आप देख रहे हैं ये सज रहा है, तो अभी चले रहे हैं दस्तरखान पे। और ये हमारी उर्वा को देखें आप, ये काम भी कर रही है और कार्टून भी देख रही है, तो चलें जी, ये है बैठ रहे हैं। उसके बाद जो है इफ्तारी का टाइम होने वाला है, कुछ ही देर बाकी है, यहाँ पे दस्तर लग रहा है, ये देख लें, तो अभी जो है अजान होने वाली है कुछ ही मिनट्स में, और ये समोसे आ गए हैं, ये चाट है, और ये समोसे वो खजूर है, शरबत है, अचू। हाँ, तो अभी मैं बेहतर हुआ तो मैंने स्टार्ट किया ब्लॉग करना, तो चलें जी, ये फिर जो है बात करते हैं। जी तो ये इफ्तारी हो चुकी है, और अभी नमाज वगैरह पढ़ चुका हूँ मैं, और ये है कि बस इस ब्लॉग को अभी यहीं एंड करते हैं, यही था एक छोटा सा ब्लॉग, अच्छा लगा हो पसंद आओ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।